गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग त्रयोदशा पाठ शुरू करेंगे। इतने दिन से आपकी वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। अस्य उत्तरश्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परौ तोये निधि वगाहे स्थिता पृथिव्या एव मानदंडः। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हिमालय की चर्चा की जा रही है। कह रहे हैं कि अस्य उत्तर श्याम, मतलब इसके उत्तर दिशा में है, मतलब किसके दिशा में, किसके भारत के। ठीक, कह रहे हैं कि भारत के उत्तर दिशा में है देवात्मा, देवों जैसा हिमालयो नाम, हिमालय नाम का नगाधिराजा पर्वतराज। ठीक, कह रहे हैं कि भारत के उत्तर दिशा में देवों जैसा पर्वतराज हिमालय नाम का पर्वतराज है। फिर से देखिए, कह रहे हैं कि अस्य उत्तर श्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। कह रहे हैं कि भारत के उत्तर में, उत्तर दिशा में देवों जैसा हिमालय नाम का पर्वतराज है। पूर्वापरो, कह रहे हैं कि पूर्व और अपरो मतलब होता है दूसरी ओर, मतलब पूर्व का दूसरी ओर क्या होगा, पश्चिम। ठीक, तो कह रहे हैं कि पूर्व और पश्चिम में स्थित क्या है, तोये निधि। तोये निधि मतलब क्या होता है, समुद्र। ठीक, तोये मतलब जल, अनिधि मतलब जिसका पूरा भंडार हो, तो क्या है वो, तोये निधि मतलब समुद्र। ठीक, कह रहे हैं कि पूर्व और पश्चिम में स्थित दोनों समुद्रों के क्या है, स्थित पृथ्व्याम पृथ्वी के मानदंड, मानदंड की तरह है। ठीक, वगाह मतलब होता है दोनों ओर। ठीक, कह रहे हैं कि पूर्व और पश्चिम में स्थित दोनों समुद्रों में प्रविष्ट पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है। ठीक, फिर आगे, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमम ना सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिन्दो किरणे विश्वांका। ठीक, विश्वांका मीन्स होता है धब्बा। अब देखिए, अनंत रत्न प्रभवस्य, देखिए अनंत रत्न प्रभवस्य, प्रभवस्य मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक, कह रहे कि अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाले यस्य, जिस हिमम हिमालय की नहीं सौभाग्य विलोपी, शोभा विलोपी मतलब होता है नष्ट करने में, जातम मतलब हुई और ना मतलब नहीं। ठीक, कह रहे कि अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस हिमालय की शोभा नष्ट करने में सफल नहीं हुई, एको ही दोषो गुण सन्निपाते। कारण क्या है, कभी यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि क्या है, गुण सन्निपाते मतलब गुणों के इकट्ठा होने पर, क्या होता है, गुणों के इकट्ठा होने पर एको ही दोषो मतलब एक अवगुण क्या हो जाता है, निमज्जंती दो मतलब विलीन हो जाता है। ठीक, मतलब जिसमें 100 गुण हैं, अगर उसमें एक दोष भी हैं तो वो क्या हो जाता है, छिप जाता है। कैसे, किरणेश विवांका, जैसे चंद्रमा के किरणों से उसका धब्बा। ठीक, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा के किरणों से उसका धब्बा छिप जाता है, वैसे ही गुणों के इकट्ठा होने पर एक गुण विलीन हो जाता है। इसीलिए अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस हिमालय की शोभा, मतलब उस हिमालय की शोभा नष्ट करने में सफल नहीं हुए। ठीक, फिर आगे, आमेखलम संचरताम घनानाम छायामदा सानुगताम निसेव्या उद्वेजिता वृष्टिभी आश्रयन्ते श्रृंगाली यस्य तपवंति सिद्धाः। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि आमेखलम, आमेखलम मतलब होता है मध्य भाग, संचरताम मतलब घूमने वाले। कह रहे हैं कि जिसके मध्य भाग के घूमने वाले या मध्य भाग में घूमने वाले क्या है, घना नाम बादलों की छाया मधा मतलब छाया
के नीचे अधा मतलब नीचे, छायाम अधा छाया के नीचे, सानुगता मतलब चोटियों की, निसिव्या मतलब सेवा करके। ठीक, कह रहे हैं कि जिसके मध्य भाग के घूमने वाले बादलों की चोटियों पर की गई छाया का क्या करते हैं, नीचे सेवन करके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, जो हिमालय की चोटियाँ हैं और उस पर से जो बादल जाते हैं तो उससे जो छाया होती है तो उसी के नीचे उसी छाया में बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, तो इसी कारण यहाँ पर सेवा करने का भाव दिया गया है। आमेखलम संचराता संचरताम घनाराम छाया मदा शानुगताम निसेव्य। ठीक, कह रहे हैं कि जिसके मध्य भाग मतलब जिस हिमालय के मध्य भाग के घूमने वाले बादलों की क्या है, चोटियों की छाया का नीचे सेवन करके उद्वेजिता, उद्वेजिता मतलब होता है घबराए हुए, वृष्टि भी आश्रयते, वृष्टि मतलब क्या होता है, वर्षा से, कह रहे हैं कि वर्षा से घबराए हुए आश्रयते, आश्रय लेते हैं और क्या करते हैं, श्रृंगार कहाँ चोटियों पर, क्या करते हैं चोटियों पर आश्रय लेते हैं। अस्य तपवंती, कह रहे हैं कि जिसकी धूप में सिद्धा साधु संत, कह रहे हैं कि वर्षा से घबराए हुए जिसकी सॉरी वर्षा से घबराए हुए चोटियों पर आश्रय लेते हैं और धूप में क्या करते हैं निवास मतलब धूप में छाया लेते हैं और वर्षा से घबराए हुए मतलब वर्षा से डरे हुए साधु संत क्या करते हैं कि वहाँ पर चोटियों पर आश्रय लेते हैं। कैसे कि जब बादलों की छाया आती है या वहाँ पर जो चोटियों के नीचे जो गुफाएं बनी हैं उसमें वो क्या करते हैं निवास करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आम एकलम संचरताम घनानाम छाया मदा शानुगताम निसेव्य उद्वेजिता वृष्टि भी आश्रयन्ते श्रृंगारी अस्य तपवंती सिद्धा। कह रहे हैं कि जिसके मध्य भाग में घूमने वाले बादलों की चोटियों पर की गई छाया का नीचे सेवन करके वर्षा से घबराए हुए आश्रय लेते हैं और चोटियों पर जिसकी धूप में साधु संत निवास करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बादलों की छाया में निवास करते हैं और धूप लेने के लिए चोटियों पर चले जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, कपोल कंडु करवीर करवी विनेतु विघटितानाम सरल द्रुमाणाम यत्र श्रुत क्षीरतया प्रसूता सानूनि गंधा सुरभि करोति। अब देखिए, कह रहे हैं कि कपोल कंडु मतलब क्या होता है, कपोल कंडु मतलब होता है कनपटियों की खुजली। ठीक, करवी मतलब क्या होता है, हाथियों के द्वारा, विघटितानाम मतलब रगड़े हुए। ठीक, सरल द्रुमाणा मतलब देवदारू के वृक्ष से, कह रहे हैं कि जहाँ कनपटियों की खुजली मिटाने के लिए हाथियों द्वारा रगड़े हुए देवदारू के वृक्षों से यत्र जहाँ क्या होता है श्रुत क्षीरतया मतलब होता है दूध निकलने से प्रसूतः उत्पन्न सानून चीटियों को गंधा सुगंध सुरभि करोति सुगंधित कर देती है। ठीक, कह रहे हैं कि कहने का मतलब यह है कि जब हाथियों के कनपटियों पर क्या होती है खुजली होती है तो हाथियां क्या करती हैं कि देवदारू के वृक्ष से अपने कनपटियों को रगड़कर अपनी खुजली मिटाती हैं, तो उससे जो दूध या जो रस निकलता है तो वो क्या करते हैं उसकी सुगंध से चींटियां भी क्या हो जाती हैं सुगंधित हो जाती हैं। ठीक, फिर आगे, दिवाकर अद्रक्षति यो गुहासुलीनम दिवाभीतमिव अंधकारम क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम मुच्यहे शिरसाम सतीव। अब देखिए, कह रहे हैं कि दिवाकर द्रक्षति मतलब क्या होता है, दिन से डरे हुए यो जो गुहास गुफाओं में लीनम छिपे हुए दिवाभीतमिव मतलब होता है अंधकार से डरे हुए मतलब उल्लू। ठीक, उल्लू को क्या करता है अंधकार को सूर्य से बचाता है, क्योंकि क्या होता है कि उल्लू को अंधेरा ही पसंद होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो दिन से डरे हुए गुफाओं में छिपे हुए उल्लू हैं उनको अंधकार को सूर्य से बचाता है। ठीक,
क्षुद्रे नूनम शरणम प्रपन्नम ममत्वम उच्च शीर्षाम सतीव। कवि सॉरी यहाँ पर कहा जा रहा है, कवि एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि कुमार संभवम से ये लिया गया है, कालिदास जी इसके रचनाकार हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि क्षुद्रे नूनम शरणम प्रपन्ने, कह रहे हैं कि क्योंकि क्षुद्रे, क्षुद्रे भी मतलब क्या होता है, छोटे व्यक्ति, नूनम निश्चित रूप से, शरणम मतलब शरण, प्रपन्ने शरण में आए हुए, ममत्वम ममता, मुच्चय मतलब बड़े लोगों के, शीर्षाम मानो सतीव मानो क्या है, शीर्षाम प्रकट हो रहा है। तो क्या प्रकट हो रहा है, कह रहे हैं कि जैसे महान पुरुषों की शरण में आए हुए छोटे व्यक्ति भी मानो निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं, ममता को प्राप्त कर रहे हैं, ममत्व प्रकट हो रहा है। कब, कह रहे हैं कि जो दिन से डरे हुए गुफाओं में छिपे हुए उल्लू को, अंधकार को सूर्य से बचाता है, क्योंकि महान पुरुषों की शरण में आए हुए छोटे व्यक्ति भी मानो निश्चित रूप से ममत्व प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका त्रयोदशा पाठ कंप्लीट हुआ। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे चतुर्दशा पाठ, चौदहवें पाठ से आर्यभट्ट, ठीक, आर्यभट्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में।